इसमें कोई दो मत नहीं कि मुझे राजनीतिक रूप से जो पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूँ और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता रहता है। और कार्य क्षेत्र पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्म भूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्म भूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, एनडीए के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पूरे चुनाव में न दिन देखी न रात देखा और उन तमाम लोगों के परिश्रम का नतीजा रहा कि खगड़िया से मैं 1,61,000 की मार्जिन से चुनाव जीत कर आया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूँ और जिस तरीके से भागलपुर के लोगों ने आज सम्मान, प्यार और आभार किया है, मैं उन सब का दिल के गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी भागलपुर के लिए भी मेरी आवाज़ मुझे उठानी होगी, बेहिचक मैं भागलपुर के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा। और मुझे पता है कि भागलपुर की भी प्राथमिकताएँ क्या हैं, उस पर हम लोग सब मिलकर, यह सुखद है कि यहाँ से भी एनडीए के हमारे सांसद बड़े भाई अजय मंडल जी जीत कर गए हैं, तो बिल्कुल अब भागलपुर से एक नहीं दो दो सांसद भागलपुर को लोगों को मिला है। तो बेहिचक हमारे बड़े भाई सांसद अजय मंडल जी भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं भी उनके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाकर भागलपुर की, खगड़िया की सेवा तो करूँगा ही, साथ ही साथ जहाँ भी भागलपुर के लिए आवाज़ उठानी होगी हम लोग भागलपुर के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ये सौभाग्य का विषय है कि मुझे 32 साल की उम्र में सांसद का जो है ये शान मुझे जो है खगड़िया के तमाम लोगों ने दिया, खगड़िया की जनता ने किया दिया। मैं अपने आप को सचमुच सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं इसके लिए हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा विश्वास मुझ पर दिखाया और हमारे संस्थापक सरदे रामविलास पासवान जी के गृह जिला से मुझे चुनाव लड़ाकर और वहाँ की जनता ने मुझे जिताकर सदन में भेजने का काम किया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूँ। जिम्मेदारी है, चुनौती क्या रही? नहीं, बिल्कुल, जब किसी भी जवाबदेही या जिम्मेदारी को हमने कभी छोटा समझा नहीं और राजनीति की शुरुआत जब वार्ड के चुनाव से की थी तब भी हम लोग डिप्टी मेयर बनने के बाद प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड, किसी न किसी गली मोहल्ले और लोगों की परेशानी को सुनते थे। कभी ये नहीं एहसास होने दिया कि आपका जनप्रतिनिधि आपसे दूर है। ठीक उसी तरीके से सांसद बनने के बाद मैं कभी भी खगड़िया लोकसभा की जनता को महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका सांसद उनसे दूर है। हाँ, सत्र जब चलता है तो ये हम लोग को दिल्ली में होना ये एक प्रक्रिया का पार्ट है। उसके अलावा जब जब हम लोग सत्र से फ्री होंगे तो 100% हमारा समय जो है वो खगड़िया के लोगों के बीच रहेगा। मैं हृदय से मैं पहले कह चुका हूँ कि भागलपुर ने मुझे राजनीतिक पहचान दी, खगड़िया ने मुझे जो है